नमस्कार, आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक शादी चेक वाली, तो कैसी होती है ये शादी और कैसे आपके घर परिवार या रिश्तेदारी में कोई इस तरह की शादी हो रही है तो आप भी उसको चेक के जरिए कर सकते हैं। आपकी न्यूज में हम अब तक हर वो सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाते आए हैं जो पूरे समाज के लिए मिसाल होती है, और ऐसी ही आज की कहानी है। कैश की परेशानी के दौर में मथुरा के घनश्याम और बबली की कैशलेस शादी की कहानी। भारत में शादी का आयोजन किसी उत्सव की तरह होता है जो कई दिनों तक चलता है। ज्यादातर शादियों में सैकड़ों की संख्या में मेहमान आते हैं, बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, सजावट होती है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट दिए जाते हैं, रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे और तोहफे दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि इनमें से ज्यादातर कामों के लिए कैश यानी कि नगद राशि का इस्तेमाल किया जाता है। मध्यवर्गीय परिवार में शादी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा लड़की और लड़के के माता पिता की गाड़ी कमाई होती है। शादियों में लोग सेविंग का इस्तेमाल करते हैं, FD तुड़वा लेते हैं, PF निकलवा लेते हैं। पैसे ना होने पर कई बार माता पिता को कर्ज भी लेना पड़ता है। जो पैसा आप शादी में खर्च करते हैं वो आपकी ही कमाई होती है, जिस पर आप सरकार को टैक्स भी दे चुके होते हैं। लेकिन यही पैसा जब शादी के कार्यक्रमों पर खर्च होता है तो सारा काम कैश में होने की वजह से इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी की तरह होना शुरू हो जाता है। आपकी मेहनत का पैसा कैटरर, बैंड वाले, मैरिज हॉल, बैंक्वेट्स और डेकोरेशन का इंतजाम करने वालों की जेब में पहुंच जाता है। अर्थव्यवस्था के ब्लैक होल में ये पहुंच जाता है इन्हीं लोगों के जरिए, जिसे आप काला धन भी कह सकते हैं। इस पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, यानी ये पैसा देखते ही देखते ब्लैक मनी में तब्दील हो जाता है। शादी एक मंगल कार्य है और शादियों में काले धन के इस्तेमाल को शुभ नहीं माना जा सकता। इसी भावना का सम्मान करते हुए मथुरा के एक जोड़े ने अपनी शादी कैशलेस आयोजित की। बिना कैश के शादी करने वाले वर वधु के नाम हैं घनश्याम और बबली। ये दोनों उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो सड़क से लेकर संसद तक नोटबंदी पर जनता के आक्रोश का झूठ फैला रहे हैं। मथुरा के इस जोड़े ने शादी धूमधाम से की। इस शादी में सब कुछ हुआ जो आमतौर पर शादियों में होता है। वर वधु के लिए गिफ्ट हो या मेहमानों का शगुन या फिर कन्यादान, सब कुछ चेक से हुआ। शादी अक्सर जीवन में एक बार ही होती है, इसलिए हर कोई इसे यादगार बनाना चाहता है। कोई शाही तरीके से शादी करके ऐसा करता है, कोई लजीज खाना परोस कर ऐसा करता है, कोई हजारों की संख्या में मेहमानों को बुलाकर ऐसा करता है। डांस, म्यूजिक, शगुन, परंपराओं और ढेर सारे आशीर्वाद को मिलाकर संपन्न होता है एक शुभ विवाह। लेकिन क्या सिर्फ नोटों की बरसात ही शुभ विवाह की पहचान है? क्या शादी के नाम पर लाखों करोड़ों का कैश खर्च करने के बाद ही सात वचन निभाए जा सकते हैं? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको मथुरा में संपन्न हुई घनश्याम और बबली की शादी जरूर देखनी चाहिए। सरकार विरोधी राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने नोट बैन के फैसले पर कोहराम मचा रखा है, जनता में आक्रोश का झूठा प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं दुष्प्रचारियों को घनश्याम और बबली ने आईना दिखाने का काम किया है। घनश्याम और बबली ने नोटबंदी की परवाह किए बगैर शादी की और मेहमान नवाजी भी की। और कुल मिलाकर अगर कहें तो ये शादी पूरी एक तरह से चेक से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चेक से ही ऊपर ही निर्भर है। चेक के द्वारा ही हम पेमेंट करें और लोग ले भी रहे हैं हमसे चेक से पेमेंट। तो कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब कुछ रीति रिवाज के मुताबिक ही संपन्न हुआ। वर और वधु पक्ष ने प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार करते हुए कैशलेस शादी कर डाली। वर वधु पक्ष के इस साहसिक कदम का शादी में शामिल हुए सभी मेहमानों ने भी पूरा साथ दिया। कन्यादान चेक से हुआ तो लोगों ने शगुन भी चेक में ही दिया। इसमें चेक है, आज मेरी साली की शादी है, तो शादी में नोटबंदी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी पैसों की, क्योंकि 8-500 के नोट तो बंद है इस समय। तो जो कन्यादान जो दिया है मैंने, वो चेक के थ्रू दिया है। ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है पैसे निकालने में और वो करने में। शादी है, हम शादी में अपनी बहन के लिए गिफ्ट वगैरह देते हैं, सामान देते हैं, तो उसके लिए चेक का प्रयोग किया है हमने। पैसे में दिक्कत आ रही थी तो गिफ्ट देने के लिए चेक का यूज किया है हमने।
भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक शादी पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर रकम का इस्तेमाल कैश की शक्ल में होता है, यानी वर वधु को आशीर्वाद तो मिलता है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है काला धन, और ये काला धन देश की अर्थव्यवस्था को मंगलमय नहीं होने देता। रफ एस्टिमेट ये भी लगा लें कि एक एवरेज शादी इस देश में करीब 5 लाख रुपए खर्च होते होंगे। मैं बड़ी छोटी सब मिला के एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास 1.25 करोड़ की शादी है और 5 लाख अगर आपका एवरेज खर्चा है, तो शादियों पे इस देश में कम से कम 6 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का हर साल खर्चा होता है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करके इस अशुभ प्रथा को रोकने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये कोशिश तभी सफल होगी जब लोग खुद नई सोच और नए नजरिए को परिणय सूत्र में बंधने देंगे। और हमारे एक दर्शक इस वक्त लिख रहे हैं कि शादियां भी काले धन को ठिकाना लगाने का जरिया है। ये ज्योत्सना खत्री हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रही हैं। तो ये आखिर जरिया कैसे बन जाता है काला धन को ठिकाने लगाने का, कुछ आंकड़े आपको देखने चाहिए। तो अब हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि शादियों का बाजार कितना बड़ा है और शादियों में खर्च किए जाने वाला धन काला धन कैसे बन जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में शादियों का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए का है और ये बाजार हर साल 25-30% की रफ्तार से बढ़ता भी जा रहा है। शादियों के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में कैश का इस्तेमाल होता है। कैश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दहेज देने में होता है। काला धन और दहेज दोनों ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिसमें हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। भारत में हर साल 1,20,00,000 शादियां होती हैं। हमने इन शादियों में होने वाले खर्च का औसत निकालने की कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 78% लेन देन कैश की शक्ल में हुआ। हमने आपको पहले बताया कि भारत में शादी का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में अगर यह मान लिया जाए कि इनमें से 78% रकम कैश के रूप में है, तो 1,20,00,000 शादियों के जरिए करीब 20,65,000 करोड़ रुपए का लेन देन कैश में हुआ। यह ऐसी रकम है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, यानी आप इसे ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। इस आंकड़े को अगर प्रत्येक शादी के हिसाब से निकाला जाए तो हर शादी पर औसतन 3 लाख रुपए का खर्च आता है और इसमें से 78% यानी कि 2,34,000 रुपए का लेन देन कैश में होता है। यह वो खर्च है जो खाने पीने, सजावट और बैंड इत्यादि पर खर्च किया जाता है। इसमें दहेज, तोहफे और शगुन शामिल नहीं है। ज्यादातर लोग जीवन में एक बार ही विवाह करते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार हो। लेकिन यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि काले धन का इस्तेमाल करते करते शादियां ऐसे सामाजिक महोत्सव में ना बदल जाए जहां नाच गाना काला धन सफेद करने का जरिया बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में शादी और शादियों पर होने वाले खर्च को लेकर सोच नहीं बदली है। पहले गुजरात के सूरत में 500 रुपए में शादी करने वाले भरत और दक्षा और फिर मथुरा के घनश्याम और बबली ने कैशलेस शादी यानी कि व्हाइट मैरिज की। हम आपको 3 ऐसी ही शादियों के बारे में बताएंगे जो शादी के खर्च को लेकर आपकी सोच बदल देगी, जिन्हें आप स्मार्ट मैरिज भी कह सकते हैं। पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य ने 16 जुलाई 2016 को इंदौर की एक लड़की से शादी की। उन्होंने अपनी शादी में 10,000 बेघर लोगों और अनाथ बच्चों को बुलाया था। आदित्य ने शादी में आए सभी मेहमानों को किताबें और दवाइयां बांटी और 1,000 आवारा पशुओं को खाना भी खिलाया। इसी तरह 3 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अभय देवारे और प्रीति कुंभारे की शादी हुई, लेकिन इन दोनों ने शादी पर जरूरत से ज्यादा रकम खर्च करने के बजाय सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के 10 परिवारों को 20,000 रुपए का चेक दिया। इसके अलावा इन दोनों ने अमरावती जिले में 5 लाइब्रेरीज को 52,000 रुपए की रकम दी। इसी तरह इस साल जनवरी में गुजरात के एक बड़े कारोबारी जितेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे की शादी में 18,000 विधवाओं को बुलाया। इस दौरान 500 विधवाओं को तोहफे में गाय भी दी गई, यानी इस शादी के जरिए उस सामाजिक बुराई का बहिष्कार किया गया जिसके तहत विधवा औरतों को शादी में बुलाने से परहेज किया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी ना करें या शादी पर खर्च ना करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि शादी एक शुभ अवसर होता है और इस शुभ अवसर पर आप बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार रहे,
लेकिन लोग ये समझते हैं कि शादी को सिर्फ पैसा खर्च करके ही यादगार बनाया जा सकता है। लेकिन शादी को यादगार बनाने के लिए दूसरे तरीके भी हैं और इस मौके पर आज सामाजिक बदलाव की पहल भी आप कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कहेंगे कि मौका भी है और दस्तूर भी है, लिहाजा आप भी शुभ शादी के जरिए शुभ पहल की शुरुआत करके दूसरों के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं।